सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। क्योंकि गाइस, आज के टाइम पे जितने लोग स्मार्टफोन को यूज करते हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि जो फोन है वो हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। जब हम मार्केट से नया फोन खरीदते हैं तो दोस्तों उस टाइम पे हमारा जो फोन है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी स्मूथली रन करता है। लेकिन गाइस, जैसे ही हम कुछ दिन फोन को यूज करते हैं फोन हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप बहुत ही इजीली अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। वैसे गाइस, आजकल गेमिंग का भी क्रेज है, हर कोई अपने फोन में फ्री फायर खेलता है, पबजी खेलता है। जब हम गेमिंग करते हैं तो हमारा फोन लैग करने लगता है, काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। गाइस, इस वीडियो में आपको जितने भी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे, तो दोस्तों कभी भी आपका जो फोन है वो हैंग नहीं होगा, लैग नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप यहां पे ये मेरा फोन देख सकते हो, ये हैंग करता है, लैग करता है। जैसे यहां पे हम कोई एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप देख सकते हो क्रोम ब्राउजर ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, काफी स्लो ओपन हो रहा है। इसके बाद अब हम कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अमेजॉन ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस, आपके भी फोन की एप्लीकेशन लेट ओपन होते होंगे, स्लो ओपन होते होंगे, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा जो फोन है वो हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आपको एक सेटिंग ऑन करना होगा। सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप एनिमेशन स्पीड, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, फास्ट, मीडियम, स्लो। काफी सारे लोगों के फोन में यहां पे स्लो टिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके फोन के जो एप्लीकेशन है वो लेट ओपन होते हैं, स्लो ओपन होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको यहां पे फास्ट पे टिक कर देना है। अब गाइस हम अपने फोन के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आप देख सकते हो हमारे फोन के जो एप्लीकेशन है काफी फास्ट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह गाइस आपको अपने फोन में इस सेटिंग को चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस सेटिंग को चेंज करोगे, फास्ट पे टिक करोगे, गाइस आपके फोन के जितने भी एप्लीकेशन है वो फास्ट ओपन होने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों अब आपको अपने फोन के क्लियर कैसे को साफ करना है, क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि गाइस जब हम मार्केट से नया फोन खरीदते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो फोन होता है वो नया होता है, उसमें एप्लीकेशन नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम फोन को यूज करने लगते हैं, काफी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों होता है क्या कि एप्लीकेशन में काफी सारे कैसे फाइल इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोन स्लो हो जाता है, एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्स के नाम से, ठीक है। अगर आपके फोन में एप्स नहीं है तो आपको ऐप मैनेजमेंट को ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिंपली ऐप लिस्ट को ओपन करना है। आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपको यहां पे सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरे फोन में काफी सारे एप्लीकेशन है, आप यहां पे देख सकते हो सभी एप्लीकेशन आ चुके हैं, ठीक है। आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे अमेजॉन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो यहां पे जो इसका स्टोरेज है 260 MB है, ठीक है। जो अमेजॉन एप्लीकेशन वो सिर्फ 10 MB का एप्लीकेशन है, लेकिन यहां पे इसमें काफी सारे कैसे फाइल इकट्ठे हो चुके हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, हमारे फोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। सिंपली आपको यहां पे क्लियर कैसे कर देना है। इससे गाइस आपके फोन का कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। जो भी जंक फाइल है, जो भी फालतू के फाइल्स हैं, सिर्फ वही डिलीट होंगे। आपको सिंपली यहां पे क्लियर कैसे कर देना है, 80 MB का इस एप्लीकेशन में कैसे फाइल है, ठीक है। इस तरह गाइस आपको क्लिक करके कैसे को क्लियर कर देना है। अब हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे आप हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो 842 MB का कैसे फाइल जमा हो चुका है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम इसको क्लियर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फोन के जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं, फोन भी स्लो हो जाता है। तो सिंपली गाइस आपको इस पे क्लिक करना है, यहां से क्लियर कैसे कर देना है। 677 MB आप देख सकते हो, यहां पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे 677 MB यहां पे खाली हो चुका है, ठीक है। अब हम YouTube को ओपन करते हैं, क्योंकि हम अपने फोन में YouTube को सबसे ज्यादा चलाते हैं। तो यहां पे हमने YouTube को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो YouTube ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। स्टोरेज यूजेस 1.1 GB, इसमें 780 MB का कैसे फाइल है, ठीक है। इस तरह गाइस आपको उन सभी एप्लीकेशन का क्लियर कैसे कर देना है जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करते हो।
इसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन में कुछ सेटिंग करना है, सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। इसके लिए गाइस आपको अबाउट फोन को ओपन करना है, ठीक है। अब आपको यहां पे वर्जन पे क्लिक करना है, बिल्ड नंबर पे 7 times टैप करना है, आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पे अपने फोन का पासवर्ड डाल देना है, जब पासवर्ड आप डाल दोगे तो जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एडिशनल सेटिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है, सिंपली आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग को ओपन करना है। आप दोस्तों आपको यहां पे मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, आपको इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको यहां पे किसी भी सेटिंग से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, नहीं तो गाइस आपके फोन की जो सेटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आपको किसी भी अनजान सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहां पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, यहां पे ये ऑन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा मेमोरी, मेमोरी पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहां पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेमोरी यूज बाई ऐप, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां पे आपके फोन के सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपको एक एक करके एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहां से आपको इसको फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है। इस तरह आपको सभी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करना है, क्योंकि दोस्तों जब हम एप्लीकेशन को ओपन करके यूज करते हैं फिर बाद में उसको बंद कर देते हैं, वो पूरी तरह से बंद नहीं होता, ठीक है, बैकग्राउंड में रन करता है। इसकी वजह से हमारे फोन की जो रैम है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, रैम का जो स्पेस है वो फुल हो जाता है, हमारा फोन हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। इस तरह गाइस आपको सभी एप्लीकेशन को यहां से फोर्स स्टॉप कर देना है। इसके बाद आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा रनिंग सर्विसेज, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। सेम वही काम आपको यहां भी करना है, ठीक है। आपको यहां पे काफी सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां से उन सभी एप्लीकेशन को स्टॉप कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पे तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ठीक है। आपको गाइस एक एक करके इनको चेंज करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, इसको 0.5x पे टिक कर देना, ठीक है। यही काम आपको इन तीनों में करना है, 0.5x। तो दोस्तों यहां पे हमने सेटिंग चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे आना है। नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा फोर्स 4x MSAA, ठीक है। ये जो सेटिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गेमर हो, अपने फोन में फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, तो दोस्तों सिंपली आपको यहां से इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ये जो सेटिंग है ये गेमर के लिए, ठीक है, अगर आप अपने फोन में गेमिंग करते हो तभी आप इस सेटिंग को ऑन करना। इसके बाद आपको और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज, ठीक है, आपको इस सेटिंग को भी ऑन कर देना है। अब आपको यहां पे एक और ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे एटमोस्ट 4 प्रोसेस पे टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि गाइस हमारे फोन में काफी सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा फोन स्लो हो जाता है। अब गाइस क्या होगा कि आपके फोन के बैकग्राउंड में सिर्फ 4 प्रोसेस ही हो पाएगा, ठीक है, गाइस इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं होगा, आपका फोन स्लो नहीं होगा, ठीक है। आपको यहां पे कुछ और सेटिंग करना है, सिंपली आपको सेटिंग को ओपन करना है। गाइस आपको यहां पे ऑटो अपडेट को बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि गाइस हमारे फोन के काफी सारे अपडेट आते रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा फोन अपडेट होता है जिसकी वजह से स्लो हो जाता है। सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पे सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो डाउनलोड, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहां से आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, डू नॉट अलाउ डिसेबल, ठीक है। इस तरह गाइस आपको इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब आपको यहां पे फिर से सर्च करना है लोकेशन, आपको यहां पे सर्च करना है लोकेशन। दोस्तों अब आपको यहां पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई स्कैनिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस क्या करना है कि आपको इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि गाइस बैकग्राउंड में ये रन करते हैं, वाईफाई को स्कैन करते रहते हैं, ब्लूटूथ को स्कैन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फोन है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। जैसे यहां पे हमने इसको ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो इस टाइम पे वाईफाई बंद है, ठीक है, तब भी ये जो सेटिंग है ये ऑन है और बैकग्राउंड में रन कर रहा है। सिंपली गाइस आपको यहां से इन दोनों सेटिंग को ऑफ कर देना है। इस तरह गाइस आपको इनको ऑफ कर देना है। अब गाइस प्ले स्टोर में आपको एक ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको उसको भी ऑफ कर देना है, ठीक है। आपको वहां पे डोंट ऑटो अपडेट पे टिक कर देना है, जिससे गाइस आपके फोन के जितने भी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे। सिर्फ आपको इतना सेटिंग अपने फोन में करना है, आपका जो फोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा, कभी भी लैग नहीं होगा।
गाइज उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।